ये जो दृश्य देख रहे हैं ये पुरानी धान मंडी का है और यहाँ पिछले काफ़ी दिनों से ये चर्चा का विषय है कि डीएपी की किल्लत है और डीएपी की किल्लत के लिए सुबह से ही लाइन लग जाती है। अभी करीब 9:30 बजे का टाइम हुआ है और लोग यहाँ काफ़ी संख्या में गांवों से आके यहाँ पे खड़े हैं और लंबी लाइन लगी हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है और इनसे जानते हैं किस तरीके की लोगों की तकलीफें हैं, किस तरीके की लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं और उनसे जानते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं किस तरीके की दिक्कत आ रही है डीएपी की। सर, डीएपी के हमारे जमींदार को लाइन लगना पड़ता है और हमारी जमीन बाहर कर पड़ी है, गेहूँ बीज नहीं रहा। अच्छा अच्छा, इसी कारण हमें बहुत दिक्कत आ रही है। आप पहले भी आए कि या आज ही आए? हमें पहले 3 बार आ चुके हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे आते हैं। हाँ, और डीएपी मिलती नहीं, लाइन में लगते हैं। एक मिनट जी, इनको बोलने तो फिर आपको भी मिल जाए। हाँ जी, जब हम लाइन में लगते हैं हमारा नंबर कैंसिल हो जाता है सर। अच्छा अच्छा, और उसके बाद हमें दिक्कत होती है, आराम से चले जाते हैं। आप पहले 2 बार प्रयास कर चुके हैं, आज फिर आए हैं? आज फिर आए हैं। कितने बजे आए सुबह आप? सुबह आज आ जाए 5:30 बजे आए। 5:30 बजे आके यहाँ खड़े? पहले मित्तल की दुकान पर गए, फिर विष्णुवल पर गए, फिर यहाँ पर आ गए। ये कितनी जगह आया हुआ? 4-5 जगह आया हुआ? 3 जगह आया हूँ, तीसरी जगह आया हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, अब देखो तो आज की क्या उम्मीद है फिर आपको? मुझे लगता है ये मुश्किल है काम। अच्छा, तो ये जो समस्याएं आती है, हर साल आती है, डीएपी की दिक्कत होती है, तो इसका हल का कोई सरकार को क्या करना चाहिए, आपकी नज़र में क्या सुझाव है? सर, इसके सरकार ने ये डीएपी और यूरिया जो जमींदार को चाहिए वो फुल मिलनी चाहिए, लैंड के द्वारा नहीं मिलनी चाहिए। लैंड के द्वारा नहीं? अरे, लैंड के द्वारा मिलती है, हमारे को दिक्कत होती है सर। काम भी प्रभावित होता है, यहाँ सारा दिन हो जाता है, आने जाने का खर्चा भी लग जाता है। आने जाने का खर्चा लगता है और कुछ मिलता भी नहीं है। ये कहते हैं सेंटर से सरकार दे नहीं रही है। हाँ। और डीएपी मिल रही है पर वैसे हमारे को दे नहीं रहे, क्या बात है सर? रैक आते हैं, मिलता नहीं जी, मिलता नहीं, मिलना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, जी आप बताइए। नमस्कार जी। ये सब जी चोरों का काम? हाँ जी, सब चोरों का। ठीक है, मैं इतों पहला 3:45 बजे लाइन च लग चुका, 3:45 दिन हो गया। अच्छा जी, ठीक है। जो मैं उत्ते दुकान के कोल जाना उदो कहते जी खत्म हो गई, खत्म हो गई। हाँ, तो आज आप सुबह कब से आए हुए हैं? सुबह 5:30 बजे तक आए, बाई के नाल ही आए। अच्छा अच्छा जी, तो आप पहले भी आए? हाँ जी, पहला भी आए, 3-4 बारी पहला भी आए। हाँ, 3-4 बारी पहला भी। राम राम जी, राम राम जी। कितना बजे का आए थे दिन का? 2-2.5 घंटा हो गया जी। 2-2.5 घंटा हो गया। के उम्मीद है आज मिल जाएगी? के मुश्किल की है, मुश्किल की है जी। कितना जना खड़े हाँ, सरकार तो कह भी मैं तो जमींदार का खतर लाग रहा हूँ, उंदा हो रहा हूँ, सारो काम जमींदार का खतर, आमदनी दुगनी चुगनी कर देंगा, यहाँ कर देंगे। टाइम ही दुगनो बर्बाद कर देंगे मैं, यहाँ कर लाग रही है सरकार। अच्छा, दुगनो बर्बाद करेंगे क्या? आपने सुनने में फर्क हो गया मेरे, सुनने में फर्क हो गया, फिर दुगनो बर्बाद कर देंगे। तो आप अभी खेती किसानी लारा खोटी हो जाए थे, ही तो बैठे हो, काम भी खोटी हुआ, काम खोटी लाग रही है। तो ये कितनी बार आए हो थे? मैं 2-3 बारी आ गया जी। और इनको मिलन को किया प्रोसेस है? किया आधार कार्ड पर देवे है, किया देवे है? पर दे भाई, मिलेगी या ना मिलेगी जी, कोई ठा नहीं। आधार कार्ड पे कितनी देवे है? आधार कार्ड पर 2 किट्टा देगा, 2 किट्टा एक आधार कार्ड पर। ठीक है, मैं भी लेने आगे के जब कोई मिले तो बंद है तो बंद ही। अच्छा अच्छा, तो आप 2-2.5 घंटे से सुबह से अर्ली मॉर्निंग से ही खड़े हैं? भाई सेठ जी बाद में आए, आप पहले आ गए? आप पहले आ जाते आगे ना, मेरे को मिलती नहीं जी, हमने आना ही पड़ता पहले। हाँ जी हाँ जी, मेरे को मिलती नहीं है, अभी पहला ताई आते हैं, अभी ताई भी नहीं मिल रही है। नहीं, आपको कितनी आवश्यकता है, कितनी मिलेगी, कैसे काम चलेगा? 2 घंटे मिल गए, 2 घंटे मिले तो 2 घंटे से काम चल जाएगा? नहीं चलता जी, तीन चार चार जने एक घर के, चार चार जने खड़े हैं जी लाइन से। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई ताकि खेत की जमीन की पूरी हो जाए तो भी काम चलेगा? मान लो पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं। हाँ जी, ये थी किसानों की दिक्कतें, यहाँ पे लाइन में खड़े हैं लोग, नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हाँ जी, कब से खड़े हैं आप? आधा घंटा हो गया साहब। अच्छा अच्छा, कोई मिलने की उम्मीद है? नहीं उम्मीद है। क्यों नहीं उम्मीद, क्यों नहीं है? लगी है, आप बता रहे हो 250 कट्टा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑलरेडी 100 बंदे खड़े हैं।
नहीं तो सरकार को ये अंदाजा नहीं होता कि भी यहाँ पे एक क्या जी मोदी की सरकार में सही नहीं, मोदी की है चाहे किसी की सरकार है, क्या सरकार को ये अंदाजा नहीं होता कि भी इस तरीके की दिक्कतें आएंगी? ये हर साल होने वाला प्रोसेस ही है, हर साल ही ऐसे हर सीजन में होता है, और काम का नुकसान होता है, पैसे का आने जाने का नुकसान होता है, और कालाबाजारी भी बढ़ती है। अगर ये स्टॉक पूरा हो तो जमींदार एक साथ ही ले जाए। सोसाइटियों में अभी तक नहीं पहुंची है, सोसाइटियों में पहुंच जाए तो गांव का बंदा बाजार में क्यों आए? ठीक है, जो सोसाइटी में आनी है वो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है क्या? ये चीज का तो हमें क्या पता है साहब, पर सोसाइटी में आती है वो आई नहीं है। चलो सोसाइटी में भी पता करेंगे। और यहाँ पे लोग खड़े हैं, हल्की हल्की धूप है, अभी इतनी सर्दी बनी नहीं है। और यहाँ पे दान मंडी में पिछले 4-5 दिन से ये खबरें आ रही है, लोग पहले इंतज़ार करते हैं कि डीएपी आएगी, फिर उसका पता करते हैं, फिर दुकानों के आगे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। संगरिया शहर में ये चार पांच जगह बताया गया है कि वहाँ आई है, और हर जगह ही लाइन है, और बहुत कम लोगों को मिल पाती है, और एक आधार कार्ड पे सिर्फ एक गट्टा दो गट्टे ही उपलब्ध हो पाते हैं। दो थैले दे रहे हैं जीएपी के, दो थैले एक आधार कार्ड, एक आधार कार्ड तो उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, काम कैसे कितनी मान लो आपके हिसाब से एक आधार कार्ड पे कितनी मिलनी चाहिए, या कम से कम 10 गट्टे होने चाहिए एक आधार कार्ड, फिर काम चलता है, जमींदारों का वैसे नहीं चलता। बहुत थोड़ा मिल रहा है और थोड़े में भी टोटा हो रहा है, टोटा हो रहा है। तो इसका कोई हल, कोई सरकार से बात, कोई क्या क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, सरकार को सोचना चाहिए कम से कम 5 गट्टे तो दे ना जमींदार को भी, चलो 15 किलो बिके की बीजेंगे उस हिसाब से चलाएंगे काम, बाद में आ जाएगी तो उस हिसाब से चलो। तो ये अगर नहीं मिलेगी तो क्या आपके दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या उसका फिर विकल्प होगा जी? ये क्योंकि खेती में कमी आएगी, इसे अनाज कम होगा जी। अच्छा अच्छा, और ये आपका ये जो कीमती समय है खेती का बाड़ी का वो भी नुकसान हो रहा है? आज पांचवा दिन हो गया जी, पांचवा दिन हो गया, पांचवा दिन है डीएपी के बिना के, आज पांचवा दिन। आप परिवार के कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? 4 लोग आए हुए, ताकि 8 गट्टे मिल जाए और किसी तरीके से थोड़ा काम चल जाए, काम चल जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो आप बोलो। हाँ जी, जमींदार सवेरे दे आए पे हैं। आप कब से आए हुए? 7 बजे आए पे हैं, 4 बजे घरों ठीते हैं, पाले जी ना चाह ना पानी, मेरे सन बहुत हो पे। और ये दिक्कतें हैं, सुबह उठते ही आ जाते हैं, और ये भूखे प्यासे यहाँ पे लाइन में खड़े हैं। हाँ जी, 2 दिन हो गए लाइन पे लगे हुए। तो ऐसा कोई आदमी नहीं, नया आदमी नहीं है, सारे पुराने चल रहे हैं, और पुराने और जैसे आज आप लाइन में लगे हुए हैं और आपके नंबर आने की उम्मीद है, और ये आज नहीं मिली तो कल आप फिर पीछे लगोगे, फिर आना पड़ेगा, फिर उतनी कसरत है, फिर आना पड़ता है, सारा दिन फिर कोटी हो जाएगा। आप साफ करान जाई जाता है लाइन में छड़ जाने वाले मगर जमींदार रोड़ा पांदे में आदे ने लाइन ना लग, एक्चुअल में कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ये आपके सामने है, देख लो क्या हो रहा है और क्या बन रहा है। जब ये सभी लाइन अगर इन्होंने बंद कर दिया तो दोबारा लगी है कल से लाइन। अच्छा अच्छा, ये है, अगर कल मशीन खराब होता है तो आप दोबारा आइए। अच्छा, और ये यहाँ से 500-500 बाकी छोटी मर्जी है, तुम भी सहमत हो, सारा ता ही होते करके साथ हो रहा भी तुम इन्होंने सहमत हो सारे। हाँ जी, नहीं तो सानू समान ना मिले हुण जो कणक दे बीज एक जणा हां करदा दूजा ना करदा, की होया? और लगातार त्रस्त हो के ये लोग यहाँ पे, और यहाँ पे ये दृश्य ये लगातार कुछ दिन देखने को मिल सकते हैं, किस तरीके की सरकारी स्तर पर ये अव्यवस्था।